विगत दिन श्योपुर शहर के बड़ौदा रोड पुल दरवाजे पर नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई के दौरान नगर पालिका अमले द्वारा व्यापारी के साथ की गई मारपीट की घटना के बाद नगर पालिका अध्यक्ष रेणु सुजीत गर्ग ने अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। अब आगे देखते हैं कि क्या कुछ कहा नगर पालिका अध्यक्ष ने। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। कल जो घटना हुई थी उस मामले में लेकर आपने पीसी रखी है, क्या पूरा मामला और आपने क्या कार्रवाई की? कल जो घटना हुई है उसकी मैं सर्वप्रथम कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। आगे मैं ये भी निवेदन करना चाहती हूँ कि इस प्रकार की कोई घटना ना हो, तो कलेक्टर महोदय से मेरी निवेदन है और CMO को भी निर्देशित किया जाता है कि इस तरह की जो भी कार्रवाई की जाएगी तो सर्वप्रथम व्यापारियों को मीटिंग रखी जाए और जनप्रतिनिधि भी उसमें शामिल हो, ताकि एक रूपरेखा तैयार करके ही कार्रवाई की जाए। आगे जो लोग इस घटना में दोषी पाए गए हैं उनमें 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है, सत्यभानु जाटव HO, खालिद अतिक्रमण प्रभारी और इंदर दरोगा, और बाकी के लिए नरेंद्र। किन लोगों पे कार्रवाई की है और क्या क्या कार्रवाई हुई है? 3 लोगों पे कार्रवाई की गई है, 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है। सर्वप्रथम उसमें सत्यभानु जाटव जो HO हैं, खालिद अतिक्रमण प्रभारी जो रहे हैं और नरेंद्र धूलिया। एवं व्यापारी भाइयों से भी ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आपका जो रोड पर अतिक्रमण हो रहा है वो आप स्वयं ही हटाएं। धन्यवाद।